हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वेब टेक इन डेप्थ चैनल। ये हमारे मेटलाइज सीएसएस के 17 ट्यूटोरियल का पार्ट वन है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं नेबार के कुछ पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, राइट अलाइन लिंक्स हैं, लेफ्ट अलाइन लिंक, सेंटर लोगो, एक्टिव आइटम्स, देन हम कवर करेंगे फिक्स्ड नेबार एंड आइकन्स विथ लिंक्स, आइकन्स विथ बटन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से कॉपी करते हैं बेसिक डॉट एच टी एम एल को, और मैं इसे नाम दे देता हूँ nebbar1.html। यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं हम nebbar। ओके, तो nebbar क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है neb टैग, और इस neb के अंदर आपको लेना है एक div टैग, और क्लास देनी है आपको neb रैपर। ओके, इस रैपर के अंदर आपको लेना है एक ul टैग, ul के अंदर li के अंदर आपको लगानी है एंकर टैग, और इसके अंदर आपको लिखना है मेन्यू का नाम। जैसे मैंने यहाँ कर दिया होम। ओके, हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसे। मैं इसे कर देता हूँ अबाउट, और मैं इसे कर देता हूँ कॉन्टेक्ट। ओके, सेव करते हैं और रन करते हैं हम अपने nebbar1.html फाइल को। तो ये रही हमारी फाइल। ये देख सकते हो आप, हमारा नेब बार आ चुका है, बट हमारे नेब बार में कोई ब्रांड लोगो नहीं है। तो लोगो क्रिएट करने के लिए आपको लगाना है एंकर टैग, और यहाँ पे आपको क्लास देनी है ब्रांड लोगो, और लोगो का नेम यहाँ लिख सकते हो आप। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ वेब टेक इन डेप्थ। सॉरी, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, हमारा लोगो आ चुका है, बट लोगो के बैक में हमारा मेन्यू भी आ रहे हैं। तो मेन्यू को हम क्या करते हैं, राइट साइड कर देते हैं। तो उसके लिए मैं क्लास लिखनी है राइट। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, हमारे मेन्यू राइट में चले गए, बट मैं इसे रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैं इसे रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ये मेन्यू फिर हमारे लोगो के पीछे चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मेन्यू है वो हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ क्लास यूज कर सकते हो हाइड ऑन एमएडी एंड डाउन, यानी जो हमारे मेन्यू हैं वो, ये जो हमारे मेन्यू हैं वो मीडियम डिवाइस पे हाइड हो जाए और डाउन में चले जाए। ओके, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिव करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस विंडो को छोटी करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, जैसे ये मीडियम डिवाइस पे आ रहा है, ये हाइड हो जा रहा है। ओके, देन हम यहाँ देखने वाले थे राइट अलाइंड, देन हम देखने वाले हैं लेफ्ट अलाइंड। तो लेफ्ट अलाइंड मेन्यू के लिए आपको इस राइट क्लास को कट करना है और इसे पेस्ट कर देना है ब्रांड लोगो वाली क्लास में। सेव करते हैं और मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, हमारा जो लोगो है वो राइट साइड में चला गया है और मेन्यू लेफ्ट साइड में। देन नेक्स्ट, सेंटरिंग द लोगो। तो लोगो को सेंटर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास लगाना है सेंटर। ओके, मैं क्लास लगा दिया हूँ। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देख सकते हो आप, हमारा मेन्यू जो है वो सेंटर में आ चुका है। देन नेक्स्ट हम देखने वाले थे एक्टिव आइटम्स। तो एक्टिव आइटम के लिए क्या करना है, जिस आइटम को आपको एक्टिव करना हो, लाइक हम एक्टिव करना चाहते हैं अबाउट को, तो इसके अंदर आपको क्लास लगा देनी है एक्टिव। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, अबाउट पे एक्टिव क्लास अप्लाई हो चुकी है। देन हम देखते हैं फिक्स्ड नेब बार। तो फिक्स्ड नेब बार मैं आपको दिखाने से पहले एक मैं यहाँ डिव क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर हम कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं। ओके, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने डमी कंटेंट लिख दिया कुछ। मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको पहले दिखा दूँ। ये देख सकते हो आप, हमने यहाँ डमी कंटेंट लिख दिया है। आप देख रहे हो, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमारा जो नेब बार है, हमारा हेडर, वो भी स्क्रॉल हो जा रहा है। अगर आप इसे फिक्स्ड करना चाहते हो, तो इस नेब के ऊपर एक डिव लगा लो आप, और इस नेब को हम इस डिव के अंदर रैप कर देते हैं, और यहाँ पे आपको क्लास लगानी है नेब बार फिक्स्ड। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो
तो ये देख सकते हो आप, हमारा नेम बार जो है फिक्स्ड हो चुका है। देन हम नेक्स्ट देखने वाले थे आइकन्स नेम बार में यूज करना। तो उसके लिए सिंपली हम जैसे आइकन यूज करते हैं, आपको यहाँ लगाना है आई टैग और क्लास हमें देना होता है मटेरियल आइकन्स, और यहाँ लिखना होता है हमें आइकन का नेम। तो मैं यहाँ आइकन का नेम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एडिट। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा आइकन शो हो चुका है। देन हम नेक्स्ट देखने वाले थे आइकन्स विथ बटन्स। तो बटन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं अबाउट वाले लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉग इन। बटन क्रिएट करने के लिए हमें एंकर टैग में क्लास देनी होती है btn। ओके, मैं क्लास दे देता हूँ btn। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हो आप btn क्लास अप्लाई हो चुकी है और इस पे एक्टिव क्लास भी अप्लाई है। तो हम यहाँ से एक्टिव क्लास रिमूव कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देख सकते हो आप हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। आप इसमें वेब्स इफेक्ट भी लगा सकते हो, वेब्स इफेक्ट। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, लाइक आप इसे येलो ग्रीन जो चाहो आप दे सकते हो, मैंने यहाँ येलो कर दिया। तो ये देख सकते हो आप हमारा बटन जो है नेव बार में क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप नेव बार में बटन्स को क्रिएट कर सकते हो, आइकन्स को इंक्लूड करा सकते हो, अपने नेव बार को फिक्स्ड करा सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।